हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं हैरी ब्रूटन जॉनस्टोन शील्ड वनडे कप में होने वाले पहले मुकाबले की। सेंट्रल हिंट्स और ओटेंगो स्पार्क्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। टीम्स अगर आप देखो तो दोनों की दोनों ठीक ठाक टीम्स हैं, दोनों की दोनों ने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। दोनों की दोनों टीम्स में से अगर आप प्लेयर्स की बात करोगे तो प्लेयर्स ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रखा है। इन दोनों टीम्स ने ना टॉप अपने 12-12 प्लेयर्स अनाउंस कर दिए हैं, उन्हीं में से कोई 11 प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। और वही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि भैया उन्हीं 11 प्लेयर्स में से आपको यहाँ पर प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रल हिंट वुमेन और टेंगो स्पार्क्स वुमेन के बीच में यहाँ पर सेक्सटन ओवल नेल्सन में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। 3 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा 30 तारीख, मतलब आज ही का दिन ही मानकर चलो, क्योंकि 10 तो 10:30 तो बज ही चुके हैं। 3 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। सेंट्रल हिंट की अगर आप बात करो तो टेंगो के खिलाफ आपको, मतलब स्पार्क्स के खिलाफ आपको इनॉगरल मैच खेलते हुए दिखेंगी। सेंट्रल हिंट की वुमेन्स की टीम लीड कौन कर रहा है भैया, जेस वॉटकिंग आपको लीड करती हुई दिख रही है। लास्ट सीजन की अगर आप बात करो 6 विन्स और 3 लॉस के साथ थी है। और टेंगो की अगर आप बात करोगे तो 10 विनलेस परफॉर्मेंस इनकी रही थी, एक भी मुकाबला नहीं जीते थे ये भैया पिछले साल। यहाँ पर स्किपर जो है इनकी सूजी बेट्स बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, प्लेयर्स टू वॉच आउट रहने वाली हैं। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर ना बैट्समैन को ये सरफेस पूरा का पूरा फेवर करने वाला है। 220 240 के करीब अगर रन बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रन होने वाले हैं। हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे 19 मैचेस खेले हैं, उसमें से अगर आप देखो तो स्पार्क्स ने 11 मुकाबले, हिंड ने 5 मुकाबले जीते हैं। टॉप स्कोरर जब दोनों की दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी हैं 530 रन सूजी बेट्स, केटी मार्टिन 390 रन, उसके बाद जस वर्टकिंग 123 रन, हैना रॉव की 798 रन की पारी आपको देखने को मिली है। टॉप विकेट्स की अगर आप बात करो, सूजी बेट्स ने 14 विकेट्स चटकाई हैं, एम ए ब्लैक ने 8, फिर उसके जस वेटकिंग ने 8, उसके बाद एल कैसेपरी की अगर आप बात करो 7 और कार्सन की 6 विकेट। अब अगर आप देखो तो प्लेइंग 11 कौन कौन सी हैं वो भी आप देख लो, तो यहाँ पर जस वेटकिंग आपको टीम में आती हुई दिख रही है नंबर 1 पर। शायद ये इनका बैटिंग ऑर्डर भी सेम ही रहने वाला है, बट अभी के लिए कुछ पक्का नहीं है। जॉर्जिया एटिंगसन आपके पास है, केट गैगिंग, उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास सी ग्रीन, एम ग्रेग, फिर उसके बाद यहाँ पर मलिसा हैंसन आपके पास है, तुष्टि कुमार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तुष्टि कुमार एक ऑलराउंडर जो आपको बहुत बढ़िया कर देकर जाएगी, उसके बाद यहाँ पर केट पैटरसन। देखो केट पैटरसन का क्या है कि भैया ये ना अनकैप प्लेयर है और डेब्यू करने वाली है यहाँ पर सेंट्रल हिंड के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास कैरी टॉमलिनसन आपके पास है, रीस हैना रोई और यहाँ पर गैमा सिम्स, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर के जो 11 प्लेयर्स हैं वही आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं आज के मुकाबले में। विकेट कीपिंग सेक्शन में नेटालिया डॉट, वैसे देखो नेटालिया डॉट है, मैंने आपको स्टैट्स दिखाए हैं, बट ये खेलेंगे नहीं क्योंकि ये प्लेइंग 11 में ही नहीं है। और इन्होंने जो अपनी पहली अनाउंस भी करी टीम उसमें नहीं है, बट केट गैगिंग आपको अनाउंस में दिख रही है, 4 मैचेस में 39 रन, इस टीम के खिलाफ 2 मुकाबलों में 9 रन। लास्ट सीज़न 4 मैचेस में 39 रन की पारी खेली थी, एवरेज अगर आप देखो तो 19 की रही है इस प्लेयर की। उसके बाद अगर आप देखो तो माइकलिया जॉर्जिया आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 40 मैचेस में रन अगर आप देखो 238, एवरेज 10 की है, स्टैगर्ड 96, ओवर 79, विकेट 19। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 3 मैचेस में 20 रन, लास्ट सीजन 4 मैचेस में 31 रन, ओवर 6 और विकेट 1। उसके बाद रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 1 विकेट 18, 9, 4 और 4। उसके बाद टॉमलिनसन की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म बॉलर आपके लिए एक ठीक ठाक प्लेयर जो नीचे अगर आपको बैटिंग कर देकर जाती है प्लेयर, 76 मैचेस में 743 रन, हाइएस्ट स्कोर 47, एवरेज अगर आप देखो 12 की है, स्ट्राइकर 84, ओवर 12 और विकेट 6। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 13 मैचेस में रन अगर आप देखो 121, एवरेज 10 की है, लास्ट सीजन 8 मैचेस खेले, 33 रन करे और अगर आप देखो रिसेंट स्कोर 2-4-2। उसके बाद यहाँ पर एमिली कमिंगहम आपके पास है, कमिंगहम ने आपको राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर आपके लिए 27 मैचेस में 301 रन कर दिए हैं। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 4 मैचेस में 32 रन इस ग्राउंड के ऊपर, 8 मैचेस में 68 रन। नॉर्मली ये बैटिंग का ग्राउंड है बट बैट्समैन इतना बढ़िया कर नहीं पाए हैं अभी तक। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 25-4-1-1-0, फिर उसके बाद गैमा सिम्स जो आपको खेलते हुए दिख सकती है आज के मुकाबले में, राइट हैंड बैट्समैन 1 मैच में रन 2, उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन में आपके पास हैना रोई है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, नंबर 5 पर नॉर्मली बैटिंग करती है अपनी टीम के लिए, 88 मैचेस में रन अगर आप देखो तो यहाँ पर 627, हाईएस्ट स्कोर 45, एवरेज 14 की है, स्ट्राइकर 87, ओवर अगर आप देखो 236, उसके बाद विकेट 51, हेड टू हेड 10 मैचेस में रन अगर आप देखो 98, एवरेज 14, स्ट्राइक रेट 70, ओवर अगर आप देखो 28, विकेट 6, ग्राउंड के ऊपर 2 मैचेस में ओवर 5 विकेट 1, लास्ट सीजन 10 मैचेस में 156 रन, एवरेज 22,
स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 91 ओवर 63 विकेट से, तो आपको बॉलिंग करवा कर देकर जा सकते हैं 0, 2 विकेट, 11 रन और 14 रन। उसके बाद अगर आप देखो जस बॉट किंग आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर, नॉर्मली ओपन करती है अपनी टीम के लिए और हो सकता है कि आज के मुकाबले में भी आपको ओपन कर कर दे जाए। 62 मैचेस में 1000 रन कर रखे हैं, हाईएस्ट स्कोर 95 का, एवरेज 20 की है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 119 ओवर 186, विकेट 42, 4 विकेट हॉल, 1 बार हेड टू हेड 9 मैचेस में। रन्स अगर आप देखो 123, एवरेज अगर आप देखो 15, स्ट्राइक रेट 97, ओवर अगर आप देखो 25 और विकेट यहां पर 8 इस ग्राउंड के ऊपर 9 मैचेस में। रन्स अगर आप देखो 132, एवरेज 18 की है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 108, ओवर 27, विकेट 7, रिसेंटली 0 विकेट, 68 रन, 26 रन के साथ 1 विकेट, 18 रन के साथ 1 विकेट और 7 रन के साथ 1 विकेट। अतुष्टि कुमार की अगर आप बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 5 मैचेस में रन 3, ओवर 10 और विकेट 1। अतुष्टि कुमार ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप अपनी ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को पक्का ट्राई करोगे। इस ग्राउंड के ऊपर 4 मैचेस में रन 3। उसके बाद ओशन बार्डलेट की अगर आप बात करो, इसी टीम के खिलाफ एक मुकाबला खेला है, खेली है ये प्लेयर, 1 मैच में रन 0। राइट हैंड बैट्समैन, बॉलिंग सेक्शन में आपके पास रोजी मेयर आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 62 मैचेस में 229 रन, ओवर 179 और विकेट 46, हेड टू हेड 5 मैचेस में रन 32, एवरेज अगर आप देखो 10, स्ट्राइक रेट 84, ओवर 19, विकेट 1, लास्ट सीजन 4 मैचेस में रन 25, ओवर 12, विकेट 1, रिसेंट स्कोर 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 13 रन के साथ 1 विकेट और 2 रन के साथ 2 विकेट। उसके बाद अगर आप देखो जॉर्जी एटिंगसन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, 30 मैचेस में रन 84, हाईएस्ट स्कोर 21, ओवर 42, विकेट 9, हेड टू हेड 4 मैचेस में रन 21, स्ट्राइक रेट 87, ओवर 3 विकेट 2, लास्ट सीजन 10 मैचेस में 51 रन, एवरेज अगर आप देखो 6 की है, स्ट्राइक रेट 82, ओवर 16 विकेट 3, रिसेंट स्कोर 4 रन के साथ 1 विकेट, 10 रन के साथ 1 विकेट और 1 विकेट। फिर उसके बाद मेलिसा हैंसन आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 43 मैचेस में रन 148, हाईएस्ट स्कोर 31, एवरेज 9, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 70, ओवर 66 और विकेट अगर आप देखोगे तो 8 है। यहाँ पर अगर आप देखो हेड टू हेड 7 मैचेस में रन 19, एवरेज 6, स्ट्राइक रेट 79, लास्ट सीजन 9 मैचेस में रन 24, एवरेज की अगर आप बात करोगे तो 8, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 80 की है, ओवर अगर आप देखो तो यहाँ पर 17 और विकेट 3, रिसेंट स्कोर 1 विकेट, 1 मुकाबले में चटकाई है, पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट चटकाई है। क्लॉडिया ग्रीन की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 21 मैचेस में रन अगर आप देखो यहाँ पर 39, हाईएस्ट स्कोर 22 का है, ओवर अगर आप देखो 56, विकेट 7, हेड टू हेड 4 मैचेस में रन 3, ओवर 11 विकेट 1, लास्ट सीजन 10 मैचेस में रन 14, ओवर 26, विकेट 5, रिसेंट स्कोर 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, पिछले 5 मुकाबलों में 3 विकेट चटकाई है। रीस की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 18 मैचेस में रन अगर आप देखो 14, हाईएस्ट स्कोर 7 का है, ओवर अगर आप देखो 21, विकेट 4, हेड टू हेड 3 मैचेस में रन अगर आप देखो 10, ओवर 4 विकेट 1, लास्ट सीजन 8 मैचेस में रन 10, ओवर 11 विकेट 1, रिसेंट स्कोर की अगर आप बात करो विकेट इसने भी नहीं चटकाई है। एना गैगिन की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 1 मैच में रन 6। अब अगर हम यहाँ पर स्पार्क्स की बात करें तो भैया सूजी बेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और यही बैटिंग ऑर्डर है इनका, तो यही बैटिंग ऑर्डर पक्का है। एमा ब्लैक आपके पास है, फिर उसके बाद अगर आप देखो बाल के लिए आपके पास है, फिर उसके बाद एडन कार्सन, फिर उसके बाद इब्राहिम, फिर पी इंग्लिश आपके पास है, मार्टिन आपके पास है, मैली मॉली जोई आपके पास है, फिर उसके बाद बेला जेम्स, एच जेंसन आपके पास है, केटी मार्टिन और यहाँ पर सोफी आपके पास है। सोफी ऑल्डरशो पता नहीं खेलेंगी नहीं खेलेंगी, बट एक ठीक ठाक प्लेयर है। केटी मार्टिन की अगर आप बात करो, 198 मैचेस में 3436 रन, हाईएस्ट स्कोर 94, एवरेज अगर आप देखो 23, स्ट्राइक रेट 105, हेड टू हेड 15 मैचेस खेले हैं इस टीम के खिलाफ और 390 रन कर रखे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो 2 मैचेस में 21 रन, लास्ट सीजन 10 मैचेस में 256 रन, रिसेंट स्कोर इतना बढ़िया नहीं रहा इस प्लेयर का। फिर उसके बाद पॉली इंग्लिश, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, नंबर 2 में आपको बैटिंग कर कर देकर गई है, मैचेस 45, रन्स 502, हाईएस्ट स्कोर 62, एवरेज अगर आप देखो 15, स्ट्राइक रेट 86, हेड टू हेड 7 मैचेस में रन 67, एवरेज अगर आप देखो 16, स्ट्राइक रेट 70, लास्ट सीजन 10 मैचेस में 217 रन, एवरेज 24 की है, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 90 और उसके बाद अगर आप देखो रिसेंट स्कोर 28, 1, 4, 21 और 1। फिर उसके बाद बैटिंग सेक्शन में डेविस आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 5वें या 6वें नंबर पर आपको बैटिंग कर कर देकर जाती हैं, 86 मैचेस में रन अगर आप देखो करीब करीब 740, हाईएस्ट स्कोर 54, एवरेज 16, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो यहाँ पर 88, ओवर 227, विकेट 40, हेड टू हेड 14 मैचेस में रन 180, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 107, ओवर 28, विकेट 6, लास्ट सीजन 8 मैचेस में 97 रन कर रखे हैं, ओवर 17 विकेट 5 और उसके बाद अगर आप देखो 3, 0, 25, 11, 0, 3 और 1, 3 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद बाल के लिए, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, नंबर 5 पर बैटिंग आपको कर देकर गई है, 39 मैचेस में 209 रन। अब एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
ओवर 5 करवाए और विकेट 2। इस टीम के खिलाफ 6 मैच में 20 रन, लास्ट सीजन 10 मैच में 107 रन। बेला जेम्स राइट हैंड बैट्समैन नंबर 6 पर बैटिंग आपको कर देकर गई है। 31 मैच में रन अगर आप देखो 134, हाईएस्ट स्कोर 24, एवरेज अगर आप देखो 9 की है और स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 73। हेड टू हेड 6 मैच में रन 3 और लास्ट सीजन की अगर आप बात करोगे 10 मैच में 51 रन आपको कर देकर गई है। ऑलराउंडिंग सेक्शन में सूजी बेट्स राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर नंबर 1 या नंबर 2 पर बैटिंग आपको कर देकर जाएगी। 327 रन करीब करीब आपको 9000 रन कर देकर गई है 327 मैचेस में। हाईएस्ट स्कोर की अगर आप देखो 124, एवरेज 31 की है, स्ट्राइक रेट 108, ओवर अगर आप देखो तो यहाँ पर करीब करीब 700, विकेट यहाँ पर 196, 5 विकेट हॉल 1 बार, 4 विकेट हॉल 3 बार। हेड टू हेड 13 मैचेस में 530 रन, एवरेज अगर आप देखो 53, अब अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करोगे तो यहाँ पर 113 और विकेट 14। उसके बाद अगर आप इस ग्राउंड के ऊपर की बात करोगे भैया 4 मैच में रन 71, एवरेज 23, स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करो 110 और विकेट 3। उसके बाद अगर आप रीसेंट स्कोर की बात करोगे 34, 8, 1, 28 और 3। हेली जैनसन की अगर आप बात करो राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर नंबर 4 पर बैटिंग आपको कर देकर गई है। मैचेस 136, रन अगर आप देखो 908, हाईएस्ट स्कोर 55, एवरेज 13, स्ट्राइक रेट 85, ओवर 362, विकेट 96, हेड टू हेड 12 मैचेस में रन 126, एवरेज 18, स्ट्राइक रेट 97, ओवर 38, विकेट 10। लास्ट सीजन 7 मैचेस में 125 रन, एवरेज 17, ओवर 19, विकेट 4। रीसेंट अगर आप देखोगे तो भैया रीसेंट स्कोर इसका बहुत बढ़िया रहा है। ईडन कार्सन की अगर आप बात करो नंबर 8 पर आपको बैटिंग कर देकर जा रहा है ये प्लेयर। 25 मैचेस में रन 49, हाईएस्ट स्कोर की अगर आप देखो तो यहाँ पर 17 रन, फिर उसके बाद ओवर 69, विकेट 23, 5 विकेट ऑल एक बार। हेड टू हेड 4 मैचेस में विकेट 6, उसके लास्ट सीजन 10 मैचेस में 9 विकेट और रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। बॉलिंग सेक्शन में केट इब्राहिम आपके पास है, 12 मैचेस में रन 171, हाईएस्ट स्कोर 37, ओवर 39, विकेट 6, हेड टू हेड 3 मैच में रन 43, विकेट 0, रीसेंट स्कोर 1 विकेट 31 रन 37 रन 9 रन के साथ 1 विकेट और 3 रन। एमए ब्लैक राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर 6 मैच में अगर आप देखो तो इस टीम के खिलाफ 8 विकेट चटकाई हैं, लास्ट सीजन 10 मैच में 12 विकेट चटकाई हैं, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। फिर उसका सोफी ऑल्डरशॉ की अगर आप बात करो राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर 19 मैच में रन अगर आप देखो 7, ओवर 40, विकेट 12, हेड टू हेड 4 मैचेस में ओवर 7 विकेट है, लास्ट सीजन 9 मैचेस में 10 विकेट इसने झटकाई। उसके बाद मरीना आपके पास है, 11 मैचेस टोटली खेले हैं उसमें ओवर 11 करवाए हैं, इस टीम के खिलाफ 1 मैच में रन 0। और आखिरी प्लेयर जो है आपके पास मोली रोई आपके पास है, 7 मैचेस में ओवर 25, विकेट 4, रीसेंट स्कोर 1 विकेट, 2 विकेट और लास्ट सीजन की अगर आप बात करो तो भैया 25 ओवर इसने करवाए और 4 विकेट झटकाई। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। देखो केटी मार्टिन खेल रही है, पी इंग्लिश और के गैगिंग, तो एन डॉट तो खेल ही नहीं है, तो एन डॉट को तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जिनने भी 30% लोगों ने लेकर रखी हुई है ना एन डॉट, वो फालतू में ले रखे क्योंकि ये प्लेयर खेलने ही नहीं वाली है। केटी मार्टिन आपके लिए बढ़िया पिक रहने वाली है। पी डेविस देखो यहाँ पर ना आप एम गैग को ले सकते हो, मेन प्रॉब्लम क्या है नीचे वाले प्लेयर्स के क्रेडिट थोड़े से ज़्यादा होंगे। ई कमिंग एम आपके लिए ज़्यादा बढ़िया सेफ ऑप्शन रहने वाली है और फिर उसके बाद के टॉमलिनसन। अब एक चीज़ अगर आप देखो टॉमलिनसन को पिक करोगे या नहीं तो आपके पास एक सी बालकेली का ऑप्शन है जिसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए आराम से आप इस प्लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट रिस्की प्लेयर्स अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ई कमिंग एम के टॉमलिनसन। एक चीज़ देख लेना, जो मैंने आपको प्लेइंग 11 ऑफिशियल प्लेइंग 11 दिखाई है उसी में से प्लेयर्स को आपको चूज करना है। एच राहुल, जे वैटकिंग, फिर उसके जैनसन और सूजी बेट से चारों के चारों प्लेयर आपको खेलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अतुष्टि कुमार भी एक प्लेयर है जो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाली है, आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है अतुष्टि। यहाँ पर सी पेडरसन आपको ना इस टीम के लिए डेब्यू कर देकर जाने वाली है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो के इब्राहिम, एम जैनसन आपके पास है, ए गैगिंग की जगह आप आर मायर को पिक कर सकते हो, जी एटिंगसन और ई ब्लैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और यहाँ पर ऐसे सी ग्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एस ऑल्डरशॉ का कुछ पक्का नहीं है, वैसे खेलेगी ही नहीं क्योंकि 12th प्लेयर है अपनी टीम के लिए, कम चांसेस है कि टीम एस ऑल्डरशॉ को खिलाएगी, बट जब प्लेइंग 11 आएगी तो ज़्यादा बढ़िया आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो कैप्टनसी यहाँ पर जे वैटकिंग को दे रखी है और वाइस कैप्टनसी की अगर आप बात करो तो यहाँ पर सूजी वेट्स एज अ वाइस कैप्टन। नेचुरली के मार्टिन, पी इंग्लिश, एम ग्रेग, उसके सी बाल के लिए बी जेम्स,
के इब्राहिम आपके पास है, सी जी एटिंगसन और एम रीस पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेडरल टीम है। दूसरी टीम की अगर आप बात करो कैप्टनसी जो यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है के इब्राहिम, वाइस कैप्टनसी जी एटिंगसन, एम हैंसन, फिर उसके जे वैटकिंग, एच जैनसन, एच रोई, एस बेट्स, उसके बाद यहाँ पर एम ग्रैक, फिर उसके सी बालकेली के साथ बी जेम्स और पी इंग्लिश। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।